अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। हमारे साथ बहुत ही मोजत और रिस्पेक्टेबल पर्सन ऐड हुए हैं, ये देखें, ये हैं सुभान साहब। ये सुभान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? जी कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जाते हुए? बहुत अच्छा। क्या प्लानिंग है, कहाँ जा रहे हैं? कसूर जा रहे हैं, बाकी वहीं प्लानिंग करेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने चिड़ियाघर वाली हमारी वीडियो देखी, एक ही हफ्ते में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। उसका लिंक इसमें दे रहा हूँ, वो आप देखिएगा ज़रूर। जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी देखें। तो जी मोनू अमान, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। कैसी रही आपकी वीडियो पहली जो इतनी वायरल हुई, 1 मिलियन व्यूज़ एक हफ्ते में? दो दिन बाद अपलोड हुई। अच्छा, बहुत ही कैसी लिखी वैसे? काफ़ी फनी वीडियो थी। अच्छी थी, देखें आप जाके रेट करें कितने की बिकेगी। उम्मीद है इनका आसास के बुरा हाल हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा इनको। सुमान आपको कैसी लगी थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वीडियो। तो हंसे थे आप? क्या था, बड़ी फनी वीडियो थी, बहुत अच्छी बनाई थी। सही सही। तो जी नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मिलते हैं अगले स्टेप पर। जी नाज़रीन, सफ़र हमारा शुरू है। ये देखिए लंडा बाजार लगा हुआ है, लड़के जा रहे हैं, बाइक पे जा रही है फैमिली, और इसके आगे पीछे है पिज़्ज़ा हट जो बंद है, और ये देखें लंडे बाजार की झलकियाँ। खाने की पीने की चीज़ें हैं, फल है, फ्रूट है, एम्बुलेंस है। खाना खा के किसी का पेट खराब हो, एम्बुलेंस उसको अस्पताल ले जाएगी। ये देखें चिंची में कितना चिंची भरा हुआ है फुल। ये रिक्शा देखें कट मारता हुआ, बाइक वाला हमारे क्रॉस कर गया है। अब देखें आगे क्या है, कराची नसीब नसीब अपना कराची नसीब बिरयानी खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नाज़रीन, लाहौर लाहौर था और कसूर कसूर है, लाहौर पीछे था, कसूर आगे है, हम दरमियान में हैं, हम कसूर की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने यहाँ के एक बंदे से पूछा कि कसूर किससे है, तो उन्होंने कहा कि कसूर मेरा नहीं है। और जब मैंने ज़्यादा पूछा तो वो उनका बुरा हाल हो गया, वो मुझे कहने लग पड़े कि मेरा कसूर नहीं है, कसूर मेरा नहीं है। इसी जिद में वो लेट गए हैं, ये देखिए लेटे हुए हैं, कह रहे मेरा कोई कसूर नहीं है। जी यहाँ पार्क में कई लोग सैर करने आए हैं, बैठे हुए हैं, ये बाइक वाले किसी का वेट कर रहे हैं, रक्षा अपना लेके आ रहे हैं, और ये है हमारी गाड़ी। जी सुभान, कैसा लग रहा है आपको, लाहौर का इंतजाम हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, कसूर जा रहे हैं। हाँ जी करेंगे। ये मान आप बताएँ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप दोनों की जिद थी कि हम लाहौर से बाहर जाएं कहीं, तो कहाँ जा रहे हैं? किसका कसूर? ये मान छुप छुप के एप्पल खा रहे हैं। ये एप्पल आपने मेरा खाया? नहीं। किसका है? मेरे ही पड़ा हुआ था। आपका एप्पल कहाँ में गया? मैंने खा ली। दिखाएं आ करें। ओह वेरी गुड। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए हैं दुनिया के सुपरस्टार, शहनशाह के शहनशाह, पाकिस्तान की आन बान शान, हमारे हमारे सबकी जान लकी बाबा इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये जहाज चला। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जी जी बोल सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता। जी जी हम इसमें बड़ी हैवी ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। हम आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप पहले जहाज चलाते हैं और इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, शुक्र है। मैंने आज वो जहाज वाले कपड़े उतारे और गाड़ी वाले कपड़े पहन के मैं गाड़ी को रवा दवा चला रहा हूँ। वाह ज़बरदस्त। तो जहाज़ और गाड़ी में कितना फ़र्क है? देखिए जहाज रास्ते में पंचर हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, पंचर लगवा लिया, जहाज़ पंचर हो गया, तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते, उसको पैराशूट लगा देते। पैराशूट के साथ जहाज नीचे आ जाता है, आराम से सवारियाँ उतार के चला जाता है। यानी कि जैसे जख्म होता है किसी पे, तो उसको पट्टी बांध के चलो जी काम चला लिया। बिल्कुल इस तरह से। जी नाज़रीन, हम 1500 दरख्त पीछे छोड़ रहे हैं, आगे 1500 रह गए हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सा दरख्त, आगे सफ़र देखते हैं कौन सा है। तब तक हम लकी बाबा को देखते हैं। लकी बाबा जी, जी जी कुछ सुनाए आप? क्या सुनाओ, मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह, गाड़ी चला रहा हूँ मैं। सुना देना, फैंस आपके वेट कर रहे हैं कि कुछ सुनाए। मैं तो तवज्जो मेरी पूरी ना इस वीडियो के ऊपर है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी त्वचा पूरी इस वीडियो के ऊपर है। आपकी त्वचा बहुत अच्छी लग रही है आज। अच्छा कुछ सुना दें आप। शुक्रिया, मैंने सुबह ही ना पेस मुंह पे लगाई थी, सुना के दांत चमक जाते हैं, मैंने सोचा पेस के साथ शायद मेरी जिंद भी चमक जाए। जी तो सुना दे, सुना दे तो सुना देते। सुना दे
देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा लगी भाई मुझे यहाँ पे उतार दे हम चल रहे हैं जमीन पे या तो किसी पहाड़ी इलाके में चलते हैं, वहां से ऊपर से मैं बोलूंगा ना तो सूर जरा ज्यादा ऊंचा निकलेगा। या तो आप लोग अपना टीवी ऊपर कर लें, सूर ऊपर हो जाएगा या मेरी इधर ही था ये दोस्तों अब हम कसूर में आ चुके हैं। ये कसूर की फूड स्ट्रीट है, कसूर की फूड स्ट्रीट बल्कि एशिया की नंबर वन फूड स्ट्रीट है ये। इस वक्त देखें मूंगफली पे दाने बुने जा रहे हैं, वाह क्या स्टाइल है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त स्टाइल से बुन रहे हैं। भाई जान कैसे हैं आप, मूंगफली बुन रहे हैं? फिर इनको बुन के रख दें, फिर इनको बुन के रख दें आप ठीक ठाक तरीके से बुन के रख दें, चुन चुन के बुन दें इनको। जी दोस्तों आप देख रहे हैं ये एशिया की नंबर वन फूड स्ट्रीट है जो कसूर में है। ये जबान एशिया की नंबर वन फूड स्ट्रीट है ये, कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसे फूड देखे कहीं आपने? तो यहाँ कैसे देख लिए? ये मान एशिया की नंबर वन फूड स्ट्रीट है ये, कैसा लग रहा है आपको? कैसी है इसकी चीज़ें, कैसे लगी आपको? ओके अनलॉकी बाबा आपको कैसा लगा है? अरे बहुत अच्छा लगा, ये दोनों बहुत फल देखने ठीक तमाम फलों की खुशबू तो मैं दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा पेड़ भर। और आप आपको ये कैसा लग रहा है कि एशिया की नंबर वन फूड स्ट्रीट है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड हो गया फिर तो आज आगे शॉपिंग करते हैं। जी दोस्तों अब हम चप्पल स्टॉप आ चुके हैं, ये कसूर का चप्पल स्टॉप है। स्टॉप इसलिए है कि इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसके आगे जाने का रास्ता नहीं, इसके पीछे जाने का रास्ता है। ये रास्ता चप्पल स्टॉप इधर जाता है और आता भी है। आयो अभी जो आपने एक शख्स को देखा वो बड़े परेशान थे, वो तेज़ी से गए हैं पीछे वाले रास्ते से, वो कह रहे थे मेरे बीच कोई थैले रह गए ने बीच जा के लबो, हम तो नहीं ढूंढ सकते, हमारे पास वो शूज ही नहीं है बड़े बड़े मछलियां पकड़ने वाले। चलें वो अपनी मदद आपके तहत बीच में डुबकी लगा के ये चप्पल स्टॉप से अपने चप्पल ढूंढ के दिखाएंगे, देखते हैं वो ढूंढते कि नहीं। मेरे ख्याल में आगे चले गए, घर से बोल लेने चले गए। चलो जी हम आगे चलते हैं, हम इनके लिए क्यों खड़े रहे यहाँ पर। ये जी मैं आपको पुराटो का नया मॉडल 2022 दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत है, कमाल है, एकदम चमचमाता है। आज जी मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें जरा कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये टायर, बड़ी आसानी से आप उतार भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। जब ये पानी में चलाना हो तो इसका टायर उतार लें, सुकून से ऊपर रख लें, ये तैरता भी है। 2022 का नया मॉडल है जी दोस्तों। इस टाइम हम गन्ने के रस पीने वाली मशीन में आए हैं। जी अमान और सुबान आप बताएं, जूस पियेंगे आप? जी कैसे पियेंगे, लाइट तो आ नहीं रही, मशीन तो बंद है। अप्रैल फूल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जूस की दुकान है, पान वाली दुकान है, और बड़े अलग किस्म का जूस मिल रहा है, साथ मक्खियों का जूस भी मिल रहा है। ये भी जूस वाली दुकान है, मक्खियों की भरमार है, गंद भी शुमार है। ये देखे सिलेंडर बम धमक। आइए दोस्तों अब हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उसकी बड़ी अच्छी खूबसूरत मार्केट है जहाँ पे अलग क्वालिटी के ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। आए आपको विजिट करवाते हैं लंदन की मार्केट, ये चेक करें ये जैकेटें हैं हाई क्वालिटी की, ब्रांडेड यूके की भी हैं, अमेरिका की, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ओ माई गॉड ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। ज़बरदस्त है ये, शुक्र है पाकिस्तान की इसमें कोई आइटम नहीं आपको नज़र आएगी, ब्रांडेड है बाहर के। ये तो कमाल हो गया, गरीबों का सहारा, गरीबों की मदद के लिए, गरीबों का सहारा लंदन हमारा। LB कंपनी की चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, LB लंदन बाजार। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से सजाई हुई हैं, कितनी सजावट की हुई है इसकी, बहुत प्यारे अंदाज से रखी हुई हैं, समेट के ज़रा भी गांड नहीं डाला हुआ। ये बहुत ही महंगी से महंगी नहीं सस्ती हैं। ये दोस्तों ये एक शख्स देख रहे हैं आप,
जिसको बचपन से शौक था कि ये बाई एयर कहीं पर जाए। अब ये चाह रहा है कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है, इंडिया जाना है बाई एयर, और अब ये देखें बाई एयर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें कितनी कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये देखें वाह क्या स्टाइल है इसका, कैसे मजे से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। यहीं पे इसको एयर हॉस्टल से मिलेगी, तो खाना देगी। यहीं पे नीचे बाथरूम भी है, स्ट्रेचर भी है। ये देखें कितना इंजॉय कर रहा है, वाह। बाई एयर जाने का बगैर टिकट के इससे अच्छा मौका कोई और नहीं है। अकेला जा रहा है, अकेला जहाज बुक कराया इसने, इंजॉयमेंट कर रहा है, वाह कमाल। नाज़रीन हमारा स्टाप आ गया है, इसका स्टाप अभी दूर है, इसने इंडिया जाना है, इंडिया के बॉर्डर की तरफ जा रहा है। और ये पीछे से एक गाड़ी के धक्का दिया, गाड़ी ने इसको धक्का लगाया और तेज़ हो गया है। ठीक है, अरे बोर्ड कितना पालस कराया है। हाँ मजा लाया रहे हो। ये देखें नाज़रीन, पीछे देखे बाई एयर जा रहा है, जहाज होने के बावजूद ही हमसे पीछे रह गया है। हमारी गेस्ट, हमारी गाड़ी टर्बो है, टर्बो शर्बो, और वो देखें दूर रह गया पाकिस्तान में, लाहौर में, पीछे बैक गियर मार गए हैं, बैक गियर लगा दिया है इसने, हम आगे निकल गए हैं, पीछे रह गए हैं। एक और गाड़ी इसको क्रॉस करी है, और ये ओ ओ जी नाज़रीन, ये है, ये देखें बाई एयर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो उससे, जी दोस्तों इस वक्त हम कसूर में आए हुए हैं, कसूर के गधे देख रहे हैं आप। ये भाई साहब आए हैं इनके पास, आपके पास कितने गधे हैं ये? 11 गधे हैं। ओ भाई, ओ पीछे से लाइन में लगा, ये लाइन में लगा के चलते हैं, इनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, ये लेटने जा रहे हैं। जी तो केवल दाड़ने जा रहे हैं, इनकी क्या मालिश होगी? हाँ। तो केवल कैसे उतरेगा इनका? लेटेंगे और मालिश करेंगे आप। ये दोस्तों कसूर से हम वापस लाहौर आ चुके हैं, और इस टाइम फुहारा चौक पर खड़े हैं। जी लकी बाबा, लकी बाबा कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आपने कसूर में फलूदा, मछली, चरगा, रोस्ट बोतल, उसके बाद आइसक्रीम नहीं खाई, कैसा लगा आपको? बहुत ही मज़ा आया, मेरा पेट फुल खाली है, मज़ा आ गया मुझे, बहुत मज़ा आया, मैंने खुशबू ली है सब चीज़ों में। आपको देखने का मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। ओके जी मान, आपने जब फलूदा नहीं खाया, मछली नहीं खाई, चरगा नहीं खाया, बोतल नहीं पी, आइसक्रीम नहीं खाया, तो हवा खा के कैसा लगा आपको? मुंह में पानी आया। पानी आया इधर? तो पानी आ नहीं रहा, थोड़ा पानी इधर भी दे देना, यहाँ भी पानी आ जाए ज़रा। जी हमारे काबिल एहतराम सुभान साहब, जी सुभान, आपने आज जो जो चीज़ें नहीं खाई कैसा लगा आपको? सोच के बड़ा अच्छा लगा उन चीज़ों के बारे में। खाली पेट सैड करने का मज़ा आता है? बड़ा। दिखाया जरा पेट बैली। ओ माय गॉड, ये तो फुल लग रही है, कैसे फुल है? ये शुरू से ही ऐसी है। शुरू से ऐसी है। अच्छा, आपने तो बता दिया, आप ज़रा आप भी बताएं ना, आपको कैसा लगा? मुझे बेतहा अच्छा लगा, यकीन करें। जहाँ देखो खाना, इधर मुर्गी, इधर फिश, मिठाइयाँ, अनस्ते, सब कुछ देख देख के ही मेरा पेट खाली था और खाली ही रहा। बहुत दुखी है। तो हम कोई बात नहीं, खाली पेट सैर करने का फायदे काफ़ी फेमस है, जैसे खाली पेट वॉक करने के फायदे हैं, इसी तरह खाली पेट सैर करने के बड़े फायदे हैं। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों याद दीजिए, जैसे आपने पहले दो वाली वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ दिए, लाइक दिए, इसी तरह उम्मीद है कि आप 2 मिलियन या 2 बिलियन लाइक्स और व्यूज देंगे इंशाल्लाह, एक हफ्ते के दौरान इंशाल्लाह। अगर ना दिए तो कट्टी, अब मेरे देखेंगे पक्की। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।